नगर पंचायत धरमजयगढ़ में अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर रोज रोज नए उठक पटक हो रहे हैं। आज फिर टार्जन भारती ने अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली है। तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष तरुण श्याम साहू के खिलाफ भाजपा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया गया था। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद नगर पंचायत उपाध्यक्ष टार्जन भारती को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वार्ड नंबर 7 की पार्षद भावना जेठवानी को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। शासन के आदेश के खिलाफ नगर पंचायत उपाध्यक्ष टार्जन भारती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को आदेश को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी आने के बाद टार्जन भारती ने आज अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली है। हम आपको बता दें कि 30 जून को अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। अब देखना है कि 30 जून को अध्यक्ष पद का चुनाव होता है या नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट में फिर एक याचिका दायर की गई है और मांग की गई है कि तरुण श्याम साहू अविश्वास पास होने से अयोग्य घोषित हो गए। फिर तरुण श्याम साहू कैसे अध्यक्ष बन सकते हैं? इस याचिका से एक बार फिर धरमजयगढ़ अध्यक्ष पद को लेकर प्रश्न चिन्ह लग गया है। धरमजयगढ़ से उमा यादव की रिपोर्ट।